अपराध के बदलते स्वरूप और तकनीक के बढ़ते प्रयोग के बीच पुलिस या अनुसंधान और बेहतर और पेना बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस और जन साहस संस्था द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में अनुसंसाधन एवं कौशल उन्नयन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में ADPO SDOP सहित जिले स्तर न्यायाधीश ने विवेचना अधिकारियों को कानूनी बारीकियों की जानकारी दी। उन्हें बताया कि विवेचना में त्रुटि से कैसे आरोपी बच सकता है और किस तरह की विवेचना से आरोपी को सख्त सजा मिल सकती है। इस दौरान विवेचना अधिकारियों ने भी बयानों एवं जांच के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर सवाल किए। वक्ताओं ने सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। वो पुलिस विभाग और जन साहस संस्था की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसमें खरगोन के समस्त थानों के थाना प्रभारी, ऊर्जा डिस्क प्रभारी और जो महिला और बच्चों संबंधित अपराध में विवेचना होते हैं उनको लेके इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के अनुसंधान एवं उनके कौशल उन्नयन को लेके ये वर्कशॉप आयोजित की गई है कि जो त्रुटि और जो कमियाँ होती है बच्चों और महिलाओं संबंधित अपराध में उसको बेहतर करने के लिए और बेहतर अनुसंधान को लेके ये कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरा नाम इरफान है, मैं जन साहस जिला समन्वय का उद्देश्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से ADG मैम जो महिला सुरक्षा शाखा में है प्रज्ञा रिचा मैम उनके मार्गदर्शन में जिला पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह यादव के मार्गदर्शन में ये एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का नाम है कौशल उन्नयन विकास, जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी मामले हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट में सुचारू रूप से कैसे चलाना चाहिए, उनकी विवेचनाएं कैसे करनी चाहिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट किस तरीके से दर्ज की जानी चाहिए, इस विषय पर जो भी थाना प्रभारी हैं, सब इंस्पेक्टर रहेंगे, जो भी विवेचक हैं उनका एक संयुक्त रूप से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उनके प्रश्नोत्तर बड़े अधिकारियों के माध्यम से सॉल्व किए जा रहे हैं, जिन्हें ये बताया जा रहा है कि विवेचना में आने वाली त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, जिसमें हमारी जिला विधिक में सुनीता सरिता चौहान मैम हैं जो वो भी आई हुई हैं, और इसमें मजिस्ट्रेट ADJ प्रथम सर गुलाब मिश्रा साहब भी आएंगे जिनको आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर महिला और बच्चों के जो शोषण हो रहा है उस पर किस तरीके से विवेचना को आगे बढ़ाना चाहिए, उम्र संबंधी जो मामले आते हैं उन पर किस तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए, ये नए सब इंस्पेक्टर को बताया जा रहा है। हाँ जी, उप निरीक्षक वर्षा सोलंकी, महिला थाना प्रभारी खरगोन। देखिए, जो हमारे यहाँ नए सब इंस्पेक्टर्स आए हैं और जो जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है और जो कारवास से अभी बने हैं, उन सब के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह साहब के निर्देशन में एक ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें कि जो महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उसकी विवेचना कैसे करना चाहिए, इनकी जो उसमें डाउट्स हैं कि हमको ये दिक्कत आती है, उन दिक्कतों का निवारण करने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमारे अभियोजन अधिकारी और हमारे जिला न्यायाधीश और हम लोग इसमें व्याख्यान रखा गया है। ये एक संयुक्त प्रयास है जो NGO है जन साहस और जो पुलिस विभाग है, उसमें पुलिस विभाग में इसका पूरा समन्वय जो महिला थाना प्रभारी हैं वर्षा वो कर रही हैं और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। सर, पासपो एक्ट को लेकर और बाला पास को लेकर कई बार ऐसी दिक्कतें आती है जब कोर्ट में मामला जाता है, तो उन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए इसमें इसीलिए अभियोजन अधिकारी को भी बुलाया गया है, सारे अनुसंधान अधिकारी बुलाए गए हैं, जो हमने महिला डेस्क जिले में बनाई है उन महिला डेस्क के प्रभारियों को बुलाया गया है, तो इसीलिए एक जगह इसको समन्वय किया गया है कि किस तरीके से उसकी FIR लिखी जाएगी, किस तरह से अनुसंधान किया जाएगा, किस तरह से NGO का सपोर्ट लिया जाएगा, क्योंकि NGO भी उसमें लगातार सपोर्ट करता है। न्यायाधीश महोदय भी बताएंगे कि किन बिंदुओं पर उसमें सफलता की ज़्यादा उम्मीद होती है, इसीलिए कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।